Desi Vibe. A Desi Vibe with Shehna Zagir. She's got the vibe. सबसे पहले मैं अपनी पूरी ऑडियंस को दोनों हाथ जोड़ के थैंक यू बोलना चाहती हूँ कि आप मेरे शो को बहुत सपोर्ट कर रहे हो और ऐसे ही करते रहो, लाइक करते रहो, सब्सक्राइब करते रहो, और जिन्होंने नहीं शो देखा उनको आगे आके रेकमेंड करते रहो। यही काम तो नहीं बचा तुम्हारे पास, मुझे पता है, लेकिन जस्ट रिक्वेस्टिंग कि अगर देखते हो तो थोड़ा सा टाइम निकाल के ये भी कर लिया करो। एंड गाइज, मैं बहुत ही खुश नसीब हूँ कि जो मेरे शो में आज इंसान आ रहे हैं वो बहुत ही कूल माइंडेड है, और उनके साथ बात करके मुझे बहुत मज़ा आएगा, मुझे पता है ये बात। वैसे जब हम उनको कैमरा पे देखते हैं तो वो एक एक्शन हीरो है, मतलब डर लगता है उनको देख के, बट असल ज़िंदगी में वो कुछ और ही इंसान है। ही इज़ वेरी पीसफुल, ही इज़ वेरी कूल। एंड पता है कौन आ रहा है? आज एक एक आदमी होना चाहिए चौकन्ना। क्यों? क्योंकि आ रहे अन्ना। प्लीज वेलकम सुनील शेट्टी। सर पहले तो कॉन्ग्रेचुलेशंस, आपकी बेटी की शादी हुई है मेरी तरफ से और मेरी टीम की तरफ से। थैंक यू सो मच। यही सही मौका था बात, ये मतलब बधाई देने का। शुक्रिया, थैंक यू। तो सर कैसा चल रही है आपकी लाइफ? लाइफ अच्छी चल रही है, और आपकी लाइफ को फॉलो कर रहा हूँ मैं, एंड आई एम सीइंग द चेंज आप में, बदलाव, जो कॉन्फिडेंस, आपने तो कमाल कर दिया है। थैंक यू। ये कैसे, क्या सोच क्या है आपकी? मेरी कैसे सोचने लगे थे आपकी? आई मीन आपने सोचा कभी कि आप में आप बदलाव लाएंगे और बाकी लोगों में भी बदलाव ला रहे हैं? आप सभी जगह कॉन्फिडेंस बढ़ा रहे हैं सभी का। मुझे नहीं पता, मैं खुद कोशिश कर रही हूँ। नहीं, बट जेन्युइनली बोल रहा हूँ मैं, ऑल द बेस्ट, यू गॉड ब्लेस। थैंक यू सर, थैंक यू। आपको बिग बॉस में देखा था, अभी देख रही हूँ। तो सर हंटर आ रही है सीरीज, तो हंटर टूटेगा नहीं तोड़ेगा, तो कितना तोड़ा और कितनों की तोड़ी आप अपने मुंह से बताइए। बहुत कुछ तोड़ा सेट के अलावा, लोगों को थोड़ा, क्योंकि तोड़ना पड़ा, क्योंकि हमारी सिस्टम ऐसी है, यू नो, लोगों को ये लगता है कि हंटर सिर्फ एक सीरीज है, एक ट्रेलर दिखाई दे रहा है कि ये आदमी ट्रैप्ड है, लेकिन उसमें एक मुद्दा बहुत बड़ा है जो जो हमारे सिटी में ही नहीं, हमारे ही शहरों में नहीं, लेकिन बाहर भी वो मुद्दा बहुत ही सीरियस है। इसलिए तोड़ना बहुत पड़ेगा भी, लोगों को देखने के बाद भी लोगों को भी आगे आकर इस मुद्दे में हिस्सा लेना पड़ेगा और उसे एक्सपोज करना पड़ेगा, तो मुझे तोड़ना बहुत कुछ पड़ा। ओके, मैंने भी आपका ट्रेलर देखा, तो ट्रेलर में मैंने ज़्यादा तोड़ा फोड़ी देखी है, एक्शन ही देखा है, मतलब बोलते डायलॉग्स मुझे ज़्यादा नहीं दिखे, बस तोड़ना ही दिखा है। तो क्या आप ये मैसेज दे रहे हो, एक्शन स्पीक्स लाउडर देन वर्ड्स? आई थिंक एट वन टाइम एक्शन शुड स्पीक लाउडर देन वर्ड्स, लेकिन इसमें इमोशन भी बहुत है, फैमिली है, फैमिली से जुड़ा हुआ इंसान था जो टूटा हुआ था क्योंकि फैमिली में तकलीफ हुई, और फिर जिस क्राइम को एक्सपोज करने की कोशिश कर रहा है उसी में वो फंस भी जाता है, उसे फंसाया जाता है। अच्छा। और इसलिए ये तोड़ फोड़, लेकिन जैसे कि मैंने कहा कि जैसे ट्रेलर में आपको दिखता है कि स्ट्रेट लाइन या एक बहुत सिंपल कहानी है, वैसी है नहीं, लेयरिंग बहुत है इसमें, किरदार बहुत ही खूबसूरत है, और जैसे कि मैंने इससे पहले भी कहा, देखने के बाद ये एक इतना बड़ा मुद्दा है कि लोगों को इसको बहुत ही सीरियसली लेना पड़ेगा, क्योंकि खास करके पैंडेमिक के दौरान ये बहुत ही ज़्यादा हुआ है पिछले 2-3-4 सालों में। ये आई थिंक हर डॉक्टर भी आपको यही कहेगा, और अगर क्राइम रिपोर्ट्स भी आप देखेंगे तो वो भी आपको वही कहेंगे, लेकिन क्योंकि सस्पेंस है तो मैं आपको बता नहीं सकता। अच्छा, तभी आप तोड़ फोड़ के वही बात कर रहे हो। थोड़ा सा तो मतलब थोड़ा सा तो बताओ, फिर भी मतलब थोड़ा हिंट दो, थोड़ा जानना चाहते हैं हम, क्या है उसमें, क्या है इसमें?
वही बता नहीं सकता ना, सब्जेक्ट ही ऐसा है अभी, मैं क्या करूँ आपको, वरना मैं बता देता। और अच्छा। और मिनी टीवी, अमेजोन मिनी टीवी जो है वो भी वैसे ही है, बहुत ही स्ट्रिक्ट है मेरे साथ कि सर ये गाइडलाइंस है, आपको इतना बोलना, इससे ज़्यादा बोलोगे तो टैक्स लगेगा। एक तो पीछे से आ जाता है ना, मतलब कंट्रोल किया जाता है आर्टिस्ट को। देखे ना अभी सब बैठे हुए हैं, सब दिग्गज लोग यहीं, कहीं गलत बात है ना, आर्टिस्ट फिर कर लो लाफ्टर दे दो, हंस लिया कैन आई कंटिन्यू। तो ये पीछे से प्रेशर बहुत होता है आर्टिस्ट को, बहुत ज्यादा। तो ये फिर मतलब क्यों ऐसा क्यों है, आर्टिस्ट को कंट्रोल क्यों किया जाता है? मुझे भी किया जाता है, बट मैं ऐसे हूँ, जैसे फॉर एग्जांपल मेरा क्या सिस्टम है, मुझे जब मीटिंग भी करनी होती है कोई, या फिर कुछ भी होता है, तो मुझे बोला जाता है अच्छा तूने इतना मुंह खोलना है इतना नहीं खोलना, बट जब मैं मीटिंग में बैठती हूँ मेरे से खुल जाता है मेरा। क्योंकि आप आए वैसे थे तो आपकी अपनी पर्सनैलिटी कैसे बदल सकते हो आप? उल्टा मुझे लग रहा है कि आप बहुत कम बोल रहे हो आज, डरे डरे हुए हो कि मैं मारता नहीं, प्रॉमिस मैं बिल्कुल नहीं, बहुत ही अच्छा इंसान हूँ। हाँ वैसे हाँ। मैंने आपके बारे में सुना है इंडस्ट्री से कि आप बहुत कूल हो। एब्सोल्युटली। बट जब आपके एक्शन देखते हैं, हम मूवीज देखते हैं, तो ऐसे लगता है ओ बहुत अग्रेसिव टाइप हो। यूनिफॉर्म है ना, ज्यादा करके यूनिफॉर्म, फौजी का रोल या पुलिस वाले का रोल, और पुलिस वाले की जिंदगी बहुत ही मुश्किल जिंदगी होती है, यू नो प्रेशर्स, और क्राइम को सॉल्व करना, सबको खुश रखना, मीडिएटर बनना, तो इस वजह से। लेकिन पर्सनली मैं बहुत ही रिलैक्स्ड हूँ। तुम एक काम करो ना, ऐसे तो मुझे पता नहीं चलेगा आप कितने रिलैक्स्ड हो। आप जैसे आपके आप एक्टर भी हो, आप बिजनेसमैन भी हो जी, तो मुझे तो पहले टिप्स भी दो बिजनेसमैन कैसे बनना, क्योंकि मेरा नेक्स्ट टारगेट यही है, मुझे बिजनेसमैन बिजनेस भी करना है, मुझे उसके टिप्स भी दो। और मुझे ना अपने आपको कूल कितने हो मुझे चेक करना है, आप अपने होटल में मुझे 5-6 दिन की विद फैमिली स्टे दो, फिर पता चलेगा आप कितने कूल हो। देखिए अगर मैं कूल हूँ ना, तो आपको अपने घर पे बुलाऊंगा 5-6 दिन रहने के लिए, होटल में तो ना वो अतिथि देवो भव है ना, हमारा हिंदुस्तान का कल्चर, हमारा सब कुछ यही है, अतिथि देवो भव। तो मैं आपको घर पे बुलाऊंगा फैमिली के साथ रहने के लिए, और उतनी फ्रीडम मिलेगी और उतनी कूलनेस मिलेगी आपको, मैं डिस्टर्ब नहीं करूंगा बिल्कुल। अच्छा। नहीं, प्रॉमिस। तो आप क्या चाहोगे, कि होटल में ही रहने का बंदोबस्त करूँ या घर पर? ये तो फिर आप पैसे, आप देखो घर पे तो पैसे, बाहर भी पैसे नहीं, होटल में भी पैसे नहीं लेता। क्या बात कर रहे हो, फिर घर में भी नहीं लूंगा। आप फ्री में बिजनेस कर रहे हो, इसलिए कूल हूँ। आप कूल नहीं, मेरा फूल बना रहे हो। और बताओ, इंडस्ट्री को ना आपने कंफ्यूज किया होता है, अभी तो मुझे भी कंफ्यूज किया है आपने, तो इंडस्ट्री समझ नहीं पा रही आपको हीरो का रोल दे या बाप का दे, आपकी फिटनेस का राज बताओ आप। मेरा क्या है ना, अभी गोपी किशन में एक डायलॉग था, मेरे दो दो बाप, तो वैसे अभी मैं बाप और बेटे दोनों का रोल प्ले करने का की कोशिश कर रहा हूँ। अच्छा। हाँ नहीं, मैं किरदार वही करना चाहूँगा जो मेरी एज को डिपिक्ट करती है, लेकिन सी अच्छे किरदार, यू नो कैरेक्टर भी हो, हीरो हो, और वो टाइम ख़त्म यानी आज कैरेक्टर्स ऐसे इतने स्ट्रांग है, जब जैसे कि आप हंटर खुद देखोगे तो हंटर में विक्रम का जो किरदार है मच्योर ऑफिसर है, ये नहीं एज से हम प्ले कर ही नहीं रहे, इट्स द पर्सनैलिटी, इट्स द स्क्रिप्ट जो बहुत ही इम्पॉर्टेंट है। तो किरदार वही करना चाहूँगा, गाने नहीं गा सकता अभी, डांस तो उससे पहले नहीं कर सकता। तो हीरो का किरदार ऐसे भी कोई नहीं देगा, तो ये कोशिश मेरी यही है कि कैरेक्टर्स प्ले करूँ। कैरेक्टर्स तो वो आई थिंक बेस्ट होता है, कैरेक्टर्स प्ले करना। एब्सोल्युटली। एंड मज़ा भी आता होगा ना? मज़ा भी आता, यही है, गाना गाने नहीं मिलता हीरोइन के साथ तो बोरिंग हो जाता। वो तो आपने बहुत कर भी लिया है ना हीरोइंस के साथ, कौन नहीं चाहता कि करते रह गए। अच्छा तो आप कर सकते हो, आप तो करो। नहीं वो सूट नहीं होता, फिर प्रॉब्लम वही है ना, सूट होना मेंटली अलग है और सूट होना अलग बात। हमारी तो इंडस्ट्री वैसे ही, इंडस्ट्री क्या वैसे पूरे वर्ल्ड की बात करें तो मैन ओरिएंटेड है, तो किसने कहा ये बात? यस, मैं क्या सारी दुनिया बोलती है मैन ओरिएंटेड? नहीं, सब कुछ बदल गया है। देखिए आप रूल कर रही है अब। मैं तो कोशिश कर रही हूँ, फिर इसीलिए अपना शो खोल के बैठी हूँ। अच्छा लेकिन है ये मैन ओरिएंटेड वर्ल्ड तो है ये,
आपका क्या कहना है इस बात पे? नहीं, आई थिंक इट्स इक्वल. सोच बदला हुआ है, बहुत कुछ बदला हुआ है. इसीलिए अभी लड़कियां बाहर भी निकल रही है ना, इंडिपेंडेंट हो रही है. फिर सही है. तो आपका सपना एक्टर वाला था, एक्टर अभी पूरा हो गया है ना? अभी आपका बिजनेसमैन का था, वो आप अच्छे से, आपने बिजनेस वैसे शुरू कैसे किया, मैं थोड़ा जानना चाहती हूँ. बिजनेसमैन था ही मैं, और मैनेजमेंट की थी मैंने, होटल मैनेजमेंट. वहाँ से मैं निकला और जब मौका मिला तो पिताजी ने कहा एक ज़िंदगी है यार, कोशिश कर लो. अब वो चल गई, फिल्म चल गई, लेकिन मुझे क्रिटिक्स ने मेरी बैंड बजा दी कि इसको एक्टिंग नहीं आती, इसको ये नहीं आता, उसको वो नहीं आता. तो कहीं ना कहीं आई थिंक अंदर एक डर सा बैठ गया था कि क्या ये करियर रहेगा या कितने वक्त के लिए रहेगा. इसलिए मैंने अपनी बिजनेस कभी, अपने बिजनेस को कभी छोड़ा ही नहीं. यू नो, कहीं ना कहीं आपको इन्वॉल्व रहना, मेंटली फाइनेंशियली सिक्योर रहना बहुत ज़रूरी है. तो वो मैंने कंटिन्यू की. बल्कि ऐसे नहीं हुआ, जैसे ही मुझे पता चला कि यहाँ ये मेरा करियर है, एक्टिंग मेरी करियर है, मैं इन्वेस्टमेंट करता रहा, बिजनेस कभी नहीं करता रहा. लेकिन ये जगह भी ऐसी है कि जब आपके ऊपर एक टैग लग जाता है, उसके बाद वो आपके साथ हमेशा रह जाता है. जैसे कि खुश हूँ कि एक एक्शन हीरो का टैग मिला है मुझे, और उस वजह से इतने साल मैं टिका भी. तो उसमें अच्छाइयाँ भी है, बुराइयाँ भी है, लेकिन फ्रॉम अ सेफ्टी परस्पेक्टिव मैंने बिजनेस स्टार्ट किया था, कंटिन्यू करता रहा. सही है, करना भी चाहिए. मतलब आप मत कीजिएगा, मेरा एडवाइस आपके लिए यही होगा, आप अपने आप में एक ब्रांड बन चुकी हो और यू डूइंग वेल फॉर योरसेल्फ, तो उसी ब्रांड को ग्रो करना, उन्हीं लोगों के साथ जुड़ना जो जिनको बिजनेस की अच्छी नॉलेज है, और आप अपना नाम और इन्वेस्टमेंट जो भी देना है उसको दे के उनको वो मार्केटिंग और सेल्स के पॉइंट ऑफ व्यू से बढ़ावा देना. क्योंकि प्रोफेशनल्स ही है जो बिजनेस कर सकते हैं, हम दोनों में नहीं ये रह सकते. बहुत बार मुझे जब बिजनेस में कोई तकलीफ होती है और सेट पे फ़ोन करते हैं तो मैं डिस्टर्ब हो जाता हूँ, मैं एक्टिंग ही भूल जाता हूँ. यू नो, सो डोंट लेट दैट हैपन, बिकॉज एज एन एक्टर ऊपर वाले ने आपको एक मौका दिया है, उसे छोड़ना मत. जस्ट ग्रैब ऑन टू इट टिल द टाइम यू कैन. लेकिन मुझे भी आपकी तरह अच्छा एक्टर बनना है, अच्छी एक्टर बनना है. अच्छे तो हो ही आप, एक्टर भी अच्छे हो, आपकी फिल्म भी आ रही है ना अभी. हाँ, मतलब की है. अच्छा मैंने नहीं किया आपने? अच्छा किया है मैंने. तो देखो अभी धीरे 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 सीख रही हूँ मैं क्या करना है. तो मुझे है कि अभी कुछ अच्छा मौका मिलना चाहिए, कोई मेरे टाइप का मुझे समझे वो डायरेक्टर मिलना चाहिए जो मेरे को एकदम से लाइक शहनाज वाह ये भी कर सकती है. तो मुझे वो वैसा डायरेक्टर नहीं मिल रहा अभी. होगा होगा, टाइम है. राइट, टाइम नहीं, कल भी आ सकता है. बट यू हैव टू कीप योर शो इज पॉपुलर, आपका शो पॉपुलर है, तो कोई ना कोई देख कर कुछ ना कुछ सोचता ही होगा. सो ट्रस्ट मी सर, मैं पॉपुलर तो हूँ. वो ज्यादा हो. एग्जैक्टली, पॉपुलर हो चुकी हूँ. हाँ. अभी पॉपुलर के बाद क्या है, क्या चाहिए आपको? आपका, आपके जहन में क्या है, पॉपुलर के बाद क्या होता है? सर पॉपुलर तो सारी दुनिया ही पॉपुलर है आजकल, तो इंटरनेट पे सारे ही पॉपुलर हुए पड़े हैं. छः महीने, सात महीने के लिए, उसके बाद वो एक अलग हुनर, वो अलग एक्स फैक्टर होना बहुत ज़रूरी है. और इसीलिए अपने आप को भी अपने को चेंज करता रहना चाहिए, अपने वीक पॉइंट्स पे काम करता रहना चाहिए, तब तो जाके टिकेंगे हम लोग. हाँ, मतलब ऐसे तो मैं टिक चुकी हूँ ना, अगर 6-7 महीने वाली होती तो फिर तो मैं भी निकल जाती. इसीलिए मैं बोल रहा हूँ, लेकिन बहुत सारे हैं. इसीलिए मैं आपको, अपने आप को, जैसे मैं I always am grateful कि मुझे वो अपॉर्चुनिटी मिली. उसके बाद मैंने डेड डिफाइंग स्टंट्स किया टिकने के लिए, यू नो. और अपने आप में एक नया नया हुनर भी ले आना बहुत ज़रूरी है, इसलिए क्योंकि दुनिया वर्चुअल वर्ल्ड में रह रही है और हमें रियल वर्ल्ड में भी रहना है. और ये रियल वर्ल्ड है. जब आपकी फिल्म रिलीज होगी, लोग आपके बारे में क्या कहेंगे एज एन एक्टर, वो भी आता ही है ना. ये नहीं कि आपकी पहली पिक्चर रिलीज होगी उसके बाद आपको 10 फिल्में मिली. आपको जितने लोग आपकी प्रशंसा करेंगे उतने ही लोग आपको गालियाँ भी देंगे. तो उसको बैलेंस भी करना बहुत ज़रूरी है, तब आप सीखोगे एंड यू गेट अ लॉट ऑफ वर्क. लेकिन आपको बहुत ज़्यादा काम मिलेगा. हाँ, हर कोई सुनील शेट्टी थोड़ी होता है. बलवान के बाद 30 फिल्में आपने साइन कर दी थी. सर ये कैसे, मतलब एक फिल्म करने के बाद 30 फिल्में साइन? वो ज़माना ही ऐसा था कि जितने फिल्में आप साइन करो उतने बड़े एक्टर आप. तो वो नेचुरल प्रोसेस था तब का, जबकि आज नहीं है.
तो अब एडवांटेज भी था, आज के पॉइंट ऑफ व्यू से देखेंगे तो डिसएडवांटेज भी है, लेकिन वो दौर था वीडियो से फिल्मों का दौर, जब वीडियो ट्रांजिशन हुआ था जैसे OTT, तो फिल्में चलनी बंद हो गई थी क्योंकि लोगों को लगा था कि हम घर पे बड़े TV लेके आएंगे, कैसेट डालेंगे और पिक्चर देखेंगे, थिएटर कौन जाएगा। जब वो बदलाव आ रहा था मेरे जैसे एक्टरों को मौका मिला, वरना मुझे मौका ही नहीं मिलता। जैसे कि आज OTT के आने से बहुत सारे एक्टर्स को मौका मिला है, क्योंकि फिल्मों का बिजनेस अलग होता है, ये बिजनेस अलग होता है। तो वो दौर वैसा था और उस दौर में सुनील शेट्टी घुस गया था, तो अब ये दौर है तो बहुत सारे लोगों को मौका मिलेगा। सही बात है, OTT जब का आया सबकी लाइफ ही चेंज हो गई है। एब्सोल्युट, तो अच्छाइयाँ होती है। अभी फिल्में नहीं चल रही है, लेकिन फिल्में भी चलने लगेगी जब आप उस ऑडियंस के लिए फिल्में बनाने लगोगे जो आपकी मास ऑडियंस हो। इसीलिए आप देखोगे तो म्यूजिक को वापस रिलीव कर रहे हैं लोग, एक्शन को देख रहे हैं, इमोशंस इंपॉर्टेंट है, तो वो सारी चीजें आ रही है ऑटोमेटिक। एंड अभी तो फिल्में हमारी बॉलीवुड की चलनी शुरू हो गई है दोबारा से। बॉलीवुड इज बैक, बैक, बॉलीवुड नेवर गॉन, यू नो, अप्स एंड डाउन्स होते ही है। यस ऑफ कोर्स, बट या यस, अभी अच्छी अच्छी फिल्में आई है, तो मुझे लगता है अब जब मतलब कोई चीज चलती है तो खुद को कॉन्फिडेंस आता है, हाँ कल को क्या पता हमारा भी आएगा तो चलेगा। 100% चलेगी आपकी फिल्म, जरूर चलेगी। अभी मेरा तो चलो टाइम है, लेकिन मेरा टाइम खत्म हो गया। नहीं मतलब मैं बोल रही हूँ मेरा अभी टाइम है। टाइम है अच्छा, टाइम यानी आपका टाइम आने वाला है। मतलब मेरा टाइम आ चुका है, लेकिन मेरा टाइम है हाँ, और मेरा जा चुका है। मैं बोल रही हूँ कि मेरा टाइम है अभी हाँ, आपका टाइम मैं गलत बोल रही हूँ या तो मेरी उम्र ज्यादा होगी या एक पांव कबर में या आप समझाओ मुझे, क्योंकि मैं कंफ्यूज हो गया था। अच्छा मेरा टाइम जो है ना अभी थोड़ा है। थोड़ा है यानी आप जवान हो इसीलिए। अरे यार बोलो बोलो बोलो, खत्म करो खत्म करो खत्म करो, कि अभी मेरी फिल्म आने को टाइम है। अच्छा ऐसे हाँ है, आपकी आपकी प्रमोशन कर रहे हैं हम जी, आपकी आने वाली है सीरीज जी, जी। तो मेरा ये कहने का मतलब है, अच्छा ऐसे बोलो, मेरे को लगा टाइम कम है, बोले कितने, ये लड़की बहुत ही शैतान है यार। एक्चुअली ना मेरा स्लिप ऑफ टंग होता रहता है। मेरा टंग ऑफ स्लिप होता है। टंग ऑफ पहले बोलते हो फिर स्लिप करते हो? हाँ, क्योंकि मेरे मुझे सरदर्द भी होता है तो पेट में होता है। क्यों पता नहीं मेरे को क्या है, अभी दिखा रहा हूँ डॉक्टर को। नहीं नहीं आपका मतलब लॉजिक क्या है इस बात के बाद, इस बात पे लॉजिक क्या है कि आपका सर यहाँ से नहीं यहाँ से दुखता है? क्या एसिडिटी की प्रॉब्लम है? नहीं, गट की इश्यू है। सर दर्द हो, बदन में दर्द हो, कहीं भी हो, ये हमेशा गट का इश्यू है, तो मेरा बोलना वो था। आप वाइट क्यों बन के आए हो, पीस का सिग्नल दे रहे हो क्या? क्योंकि आपके बारे में सुना बहुत ज्यादा हूँ मैं, तो मैं डर के ये बेसिक ये है कि लेट्स मेक पीस, लेट्स नॉट गेट इनटू एनी, आप जैसे आके आपने भेज दिया मेरे को कि हाँ। आपका टाइम हो गया, मेरा टाइम आ रहा है, मेरा टाइम है, तो मैं नहीं, मुझे लगता है आप मेरे पे मत थोपो, मुझे लगता है आपने इसलिए डाला है, एक्शन ज़्यादा कर दिया, अभी आपको डर लग रहा है कि चल मैं पीस के सिग्नल देता हूँ। एग्जैक्टली इसीलिए तो कम बोल रहे हो, फिर मुक्का मुक्का मारना तो मार देना कहीं, है ना, एक्शन इतना कि बंदा करेक्टर में होता है, मुक्का मुक्का मार दे। वो तो सिर्फ कैरेक्टर में जब होता हूँ, अभी तो मैं सुनील शेट्टी हूँ तो कूल रिलैक्स्ड। ठीक है सुनील शेट्टी तो ठीक है, आपका अन्ना नाम किसने रखा और ये जर्नी कैसे स्टार्ट हुई सुनील शेट्टी से अब अन्ना अन्ना बोलते हैं आपको? देखिए हुआ क्या, हम लोग शूट कर रहे थे कांटे के लिए LA में, और मेरे स्टाफ में से एक दो लोग मुझे अन्ना अन्ना करके बुलाते थे, तो अमित जी ने ये नाम पहले कांटे के सेट पे लगा था कि ये अन्ना अन्ना किधर है, अन्ना किधर है। उसके बाद संजय दत्त के हाथ में जब कुछ लग जाता है ना अच्छा। तो वो चिपक ही जाता है, तो उसने शुरू किया अन्ना, उसका अन्ना वैसे होता है और अलग अलग मूड में बोलता है, जब गुस्से में होता है तो बोलता अन्ना, मूड में होता है तो बोलता है अन्ना, तो यू नो संजू के अलग अलग मूड होते हैं, तो उसके बाद वो रह ही गया अभी। तो अभी भी मतलब आप वैसे चिल करते हो आपस में? 100% दोस्त हैं हम और हैंग आउट करते हैं, लेकिन क्या है बाबा और मैं, बाबा रात का राजा और मैं दिन का, तो हम लोग अमावस के दिन मिलते हैं कभी कभार मिलते हैं, बट वी द बेस्ट ऑफ फ्रेंड्स, आई लव हिम एंड यू नो
he's all a heart. Wow, कितना मजा आता है ना स्टोरी सुनने में. कोई और किस्सा है अच्छा सा? क्या किस्सा? मतलब बाबा के साथ? बाबा के साथ, सभी के साथ, ऑफ कोर्स. शैतान लोग भी हैं वो लोग, बहुत ही शैतान है. हम LOC के दौरान लद्दाख वदाख में बहुत शूट किया करते थे, और एक एक घंटा वन एंड हाफ आवर की डिस्टेंस पे लोकेशन होती थी. तो एक बार मैं निकल रहा था, एंड आई सेड यार आई विल गो टू द रेस्ट रूम एंड कम. तो बोला नहीं 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 नहीं, चलो ना, विल गो आगे, वो जो होटल है ना वहाँ चले जाएंगे, और वहाँ हमको भी जाना है. ये कहाँ ओपन में आप जाओगे? तो मैं बोला चलो ठीक है, गाड़ी में बैठ दिए. एक साइड पे अभिषेक गाड़ी चला रहा था, एक साइड पे संजू था, और एक साइड पे कोई और था, और मुझे बीच में बिठा दिया कि चलिए चलिए चलो. मैं भी बोला चला. अब जब होटल आए तो रुके नहीं, तो मैं क्या हुआ? बोले नहीं नहीं, हम लोग सब बाथरूम होके आए, अभी आपको लेके चलते. डेढ़ घंटा उन्होंने मेरे को गाड़ी में चलाया, और जहाँ खड्डा था तो अभिषेक उसमें खड्डे में जाके गाड़ी डाल देता ताकि मुझे तकलीफ हो जाए. स्पीड ब्रेकर आए तो वहाँ पर चढ़ा दे. तो बहुत ही शैतान है ये लोग. अगर हंटर का फीमेल वर्जन है ना, हंटर वाली शो होता है ना, तो आप परफेक्ट है उसमें. कैसे चाबुक चला लिया आपने, सबको डांट दिया कैमरामैन को. और मुझे लोग कहते हैं मैं बड़ी, मतलब मैं बड़ी डेलिकेट बेबी टाइप हूँ, ये वो, इनोसेंट हूँ, मुझे कुछ पता नहीं है दुनियादारी का. बट पता नहीं है, मैं सच में हंटर हूँ. हंटर वाली हूँ. कितना इनसिक्योरिटी फील की ना आपने, कि हंटर तो मैं हूँ, हंटर वाली आ गई. सही बात है. हुआ हो, आप जबरदस्त एक्टर हो. आप कॉन्फिडेंट हो ना, तो अच्छे एक्टर बनोगी ही बनोगी. आई थिंक आई एम ऑनेस्ट. यू आर ऑनेस्ट एंड कॉन्फिडेंट. You know, you got to be confident. Honesty, of course, बहुत ही ज़रूरी है, लेकिन confident होना, you know, मैं nervous हूँ. मेरे सामने? जी. इतनी फिल्में करके, सारा अचीवमेंट करके, अब नर्वस फील कर रहे? ये पता, ये भी ट्रिक्स होते हैं. नहीं, ये ट्रिक नहीं है, ये ऑनेस्ट कन्फेशन है. क्योंकि क्या ना, आप लोग आजकल के बच्चे मुझे नर्वस कर देते हैं, क्योंकि उनकी नॉलेज, उनकी नो हाउ, क्लैरिटी ऑफ थॉट एंड ऑनेस्टी टू अनदर लेवल. तो हम लोग थोड़े क्या है ना, जुगाड़ू जो बोलते हैं ना, पहले वाले थोड़े जुगाड़ू होते, तो हम लोग थोड़े जुगाड़ू हो तो डर जाते हैं. हाँ, एक्चुअली डर यानी वैसे डर नहीं, लेकिन नर्वसनेस, यू नो. बट अभी टेक्नोलॉजी भी बढ़ चुकी है ना, तो बच्चे भी वैसे ही पैदा हो रहे हैं ना टेक्नोलॉजी के अकॉर्डिंग. वही तो मैं बोल रहा हूँ, टेक, मैं तो टेक चैलेंज्ड हूँ. तो और एक बेटिया है ना घर पे, तो बेटी है घर पे, तो वो आके सब समझाती है और सिखाती है और ये करती है. और आपका क्रिकेटर बनने का भी शौक था ना हमेशा? लेकिन वो बेटी ने पूरा कर दिया. नहीं, मैंने पूरा किया. कैसे? बेटा जो आया है, ब्याही जो राहुल से ब्याही है, तो मैंने ही तो अप्रूव भी किया है ना फाइनली. आई लाइक योर कॉन्फिडेंस. Yeah, that's true. आपको पता है आप कितने गुड लुकिंग हो? अच्छा? हाँ, मैं ऐसे बोलूँ, देख रही हूँ कब की. मतलब कुछ और है आपका, इट्स पॉजिटिव ऑरा. थैंक यू, इसलिए वाइफ पहना. नहीं तो मैं भी पता डरती हूँ. क्यों? किसे? जैसे आर्टिस्ट आते हैं ना, मैं पहले कई बार डर जाती हूँ कि कितनी बात करूँ, किस लिमिट में बात करूँ, मतलब देखना पड़ता है ना. लेकिन मैं आपको, जैसे जितना का मैंने आपको नोटिस किया, मैं मेरे को लग रहा है हाँ, आई कैन टॉक टू यू फ्रेंकली. एब्सोल्युटली. हाँ, के यू आर लाइक बडी एंड चेयर्स एंड ऑल. तो मुझे ये बताओ कि जैसे मैंने, हाँ, आपने जो वाइट पहना है ना, तो वाइट इतना आँखों में भी नहीं पड़ता. कैमरा लुक अच्छी आ रही इनकी, गुड. तो मुझे बताओ, आप अपने नजर से, आपके नजर से मैं अच्छा लग रहा हूँ ना? हाँ. तो कैमरा वही कैप्चर करता है जो आपका नजर कैप्चर करता है. राइट, कैमरा तो एक-एक चीज कैप्चर करता है. एब्सोल्युटली राइट, कैमरा के लिए तो हम सब कर रहे हैं जी. क्या नहीं, तो अगर कैमरा के लिए ना कर रहे होते तो हम तो ऐसे नाइट सूट में बैठे होते. एब्सोल्युटली. मेकअप भी ना लगाया होता. एग्जैक्टली. और ये भी मिल रहा है ना. हाँ. जोरों में मिल रहा है. आपका शो बहुत बहुत चल रहा है. हाँ, क्या नहीं? नहीं. हाँ. अभी नहीं मिल रहा, अभी लग ही रहा है सब.
मिल जाएगा, बहुत मिलेगा, मिलेगा। हाँ हाँ, क्योंकि लोग आना चाहते हैं ना आपके शो में। मैं यहाँ क्या कर रहा हूँ, मैं नहीं कहीं भी जाऊँ, लेकिन नहीं, जब इन्होंने कहा कि आपका शो, आई सेड यू नो व्हाट, दैट्स अ शो विद अ हार्ट, वहाँ जाना बहुत जरूरी है, यू नो, बिकॉज यू रिप्रेजेंट दैट यूथ दैट हैज ड्रीम्ड बिग एंड इज डिलीवरिंग बिग। थैंक यू, तो बहुत इंपॉर्टेंट है। थैंक यू। आपकी ना सीरीज जो आएगी ना, देखना प्लीज़, आप जितना भी मेरे को लाइक करते हो, सब्सक्राइब करते हो, आप प्लीज़ ये सीरीज जरूर देखना, हंटर। सो स्वीट, थैंक यू। हंट कर दो, हंट कर। अगर मैं, पता क्या है, अगर मैं आप हंटर बार बार नहीं बोलूंगी, वो पीछे मेरे को एक बार बोल के गया है, हाँ, कि हंटर की बात करनी। हाँ, 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 मेरे को भी बोलते रहते हो लोग। हाँ, वो अमेज़न मिनी टीवी, अच्छा, बहुत ही खतरनाक है हर चीज पे। ये मिनी टीवी है फिर भी इतना खतरनाक है। हाँ, आजकल बुलंदियां छू रहा है ये टीवी। हाँ, इसीलिए ना होल्ड है ना, रीच है ना, ऑडियंस है, तो अच्छा, तो ये कर लेते हैं। ये फ्री में देखेंगे हम? फ्री में, एकदम फ्री, सोचिए। अच्छा, तो जैसे आपकी फैमिली पूरी सोशल सर्विस में बहुत बिलीव करती है जी, तो आपने कभी सोशल सर्विस जो है अपनी कभी इंटरनेट पे दिखाई नहीं है? जब कोई अच्छा काम करते हैं तो बोलते भी है, लेकिन मेरा मानना है कि जिंदगी में आप जब कोई चीज़ किसी को देते हैं ना, आपको देकर भूलना है, लेकिन जब आप रिसीव करते हो तो रिसीव करके कभी नहीं भूलना है। तो वी डू एंड वी कंटिन्यू टू डू, एंड उसी में बरकत भी है, इसीलिए आशीर्वाद, इतना सारा प्यार, सब कुछ मिल रहा है, वो इन्हीं कामों की वजह से भी मिलता है। सही बात है, मतलब दिखावे की, मतलब दिखावा करके किया तो क्या ही किया है ना? Absolutely, absolutely. आजकल तो लोग दो केले भी दे रहे होते हैं सोशल मीडिया पे, दो केले दे रहे किसी गरीब को, उसमें भी वीडियो चिपका देते कि हमने देखो हेल्प की, और उसके उसमें साथ साथ 20 लोग भी रहते हैं। हाँ, दो केले के पीछे 20 लोग हैं। Exactly. तो और भी खतरनाक तो मतलब वो पता भी चलता है कितना, मतलब दिमाग भी नहीं है, स्ट्रेटेजी भी नहीं है कि हम जब हेल्प कर रहे हैं तो वो दिखना चाहिए, जहाँ तो वो भगवान खुद ही दिखा देता है। यस यस, अपने आप में, क्योंकि आप अगर किसी की हेल्प भी कर रहे हो ना, तो आपको दुनिया को ये नहीं बताना, दिखाना चाहिए कि मैं उसको हेल्प कर रहा हूँ, क्योंकि कुछ लोग होते हैं उन्हें अच्छा भी नहीं लगता, हेल्प चाहिए, लेकिन बता कर क्या हेल्प करना। सही बात, you know, लेकिन आई थिंक लोग, क्योंकि स्ट्रैटेजी अलग है, सोच अलग है। राइट, तो आपकी जो प्रोडक्शन हाउस है जी, तो उसका नाम है पॉपकॉर्न। पॉपकॉर्न है, तो वो क्या आइडिया, कैसे है पॉपकॉर्न का आपको? क्योंकि एंटरटेनमेंट के साथ सिर्फ और सिर्फ पॉपकॉर्न जाता है। अब कहीं भी जाओगे तो कोक और पॉपकॉर्न तो आप खाओगे, यू नो, हाँ, और फिल्म अगर अच्छी भी नहीं लगे तो पॉपकॉर्न तो दो खा लोगे, तो इसीलिए, ताकि आप भूले नहीं हमें और हमारी कंपनी को। अच्छा, तो ये भी लिख देना था ना, मीडियम साइज, स्मॉल साइज या फिर लार्ज साइज। आपको कौन से पसंद है, चीज वाले, गुड़ वाले? नहीं नहीं, सॉल्टेड, सॉल्टेड, प्लेन सॉल्टेड। वो थोड़े डाइट में भी आते हैं ना? डाइट में भी कंट्रोल होता है, क्योंकि पॉपकॉर्न अच्छा भी है डाइट के लिए। तो मेरी बात सुनो, आजकल तो जैसे मैं जब थिएटर में जाती हूँ, मूवीज देखती हूँ, तो 1400-1500 के हो गए हैं आजकल पॉपकॉर्न। हाँ, पता है मुझे, इतने महंगे क्यों हैं? अरे मैं थोड़ी बेच रहा हूँ, मेरा लेना देना नहीं, मेरा नहीं, कंपनी का नाम है पॉपकॉर्न। अरे आपको पता है, जब हम अंदर घुसते हैं ना, हर कहीं, मुझे नहीं पता, मैं तो इधर वाले मॉल में जाती हूँ, तो घुसते हैं ना, तो उधर इतना बड़ा पॉपकॉर्न का वो लगा हुआ है, फेक पॉपकॉर्न लगे हुए हैं। तो आपके प्रोडक्शन हाउस के बाहर भी लगे हैं क्या? नहीं, यही है ना, तो यही पब्लिसिटी हो जाता है। प्रोडक्शन हाउस के ऑफिस के अंदर पॉपकॉर्न मशीन है। अच्छा, आपको पता है, मुझे बोलते हैं आपने 9 बजे आना है, आप इतने पाबंदित तो अपने टाइम के। अरे लेकिन मुझे 12 बजे का टाइम दिया गया था, आपको क्यों 9 बजे बोला? शायद मुझे इसलिए दिया जाता है क्योंकि मैं उठती लेट हूँ। हाँ, तो डराने के लिए। देखिए, ये प्रॉब्लम यही है, जो हम है वो हम नहीं करते, जो पीछे बैठे वाले बैठे है ना, अभी भी मुंह हला रहे हैं, क्या रह गया कोई कुछ पूछने वाला हंटर? हाँ, का हाँ। क्या क्या भाई, बोलो कुछ, बोलो क्या है? रोकना है तो ठोकना पड़ेगा, लेकिन फैक्ट है, आज जो आप बने हो, आप बेसिक मतलब यही है कि अगर रोकना है कि जिंदगी में मुझे आगे बढ़ने से रोकना है,
तो ठोकना ही पड़ेगा, बाकी आप रोक ही नहीं सकते। मुझे रोकना है तो ठोकना पड़ेगा, बोलो रोकना है। अगर मुझे रोकना है तो तुम्हें ठोकना, कैमरा के आगे बोले, हाँ बोलो ना, अगर मुझे रोकना है तो तुम्हें ठोकना पड़ेगा, नहीं तो मैं रुकने वाली हूँ। हाँ सही बात है सर, लेकिन मैं आपको रियल लाइफ में पूछ रही हूँ, बोलो व्हाट इज योर फंडा इन लाइफ। हाँ लिव एंड लेट लिव, लिव एंड लेट जी लो और सबको जीने दो यार। ओके, सबकी सुनो, अपनी करो और दूसरे के काम धंधे में दखलंदाजी मत करो, मत करो, अननेसेसरी स्ट्रेस है। अगर किसी को एडवाइस चाहिए तो दे दो, नहीं चाहिए तो फ्री के एडवाइस भी मत दो। अच्छा तो मुझे बताओ कि सुपर हीरो बनने के आसान तरीके क्या है। 4 पैग विस्की, 5 लाख का नुकसान, एक बर्बाद जिंदगी, सुपर हीरो बनने का आसान तरीका। क्या बात है, क्या बात है। तो अभी आपका हम राउंड शुरू करना है, छेती दसो राउंड। छेती दसो मतलब 6 गोलियां जल्दी। अच्छा ऐसे नहीं होगा, 6 गोलियां डाल दूंगा। आप ले सकते हो ये 6 गोलियां, 6 दसो। हाँ क्योंकि 6 गोलियां अभी आपको पूछेंगे तो बताना 6 गोलियां आपने खानी है या नहीं। क्लीन शेव, क्लीन शेव चेस्ट या बालों वाली चेस्ट। क्लीन शेव बोले, लेकिन वो एक्चुअली मुझे आपको पूछना चाहिए था, ये उल्टा कैसे पूछे। तो मुझे पूछो आप। हाँ, क्लीन शेव चेस्ट या बालों वाली चेस्ट। आई लाइक बालों वाली चेस्ट, ओके, बिकॉज इट्स नेचुरल एंड आई थिंक जितनी चीजें नेचुरल होती है मैं उतना कनेक्ट करती हूँ। सुपर, लाइक मैं को क्या अट्रैक्ट करता है। सो ऑल द यंग मेन आउट देयर, सुन रहे हो ना आप लोग, नेक्स्ट टाइम बाल उगा लेना। और मुझे जैसे आपको मैं जैसे देख रही हूँ तो मुझे क्या अट्रैक्ट कर रहा है सबसे ज्यादा, आपके लाइक व्हाइट हेयर, सॉल्ट एंड पेपर। यस, कॉमेडी और एक्शन। एक्शन कॉमेडी। 90s म्यूजिक या मॉडर्न म्यूजिक। ऑलवेज 90s, आज दुनिया ही बोल रही है कि 90s की म्यूजिक होनी चाहिए। बच्चों से चोरी डेट पे। बच्चों से बोलो 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 बोलो, बच्चों को मीन ना कहीं का क्या हुआ बच्चों को। बच्चों से चोरी डेट पर जाने का मौका मिले तो रवीना टंडन या शिल्पा शेट्टी। देन आई वुड गो फॉर द यंगर, मोर पॉपुलर एंड इक्वली अट्रैक्टिव गर्ल। देन गो विद मी, दैट्स एग्जैक्टली व्हाट आई वाज ट्राइंग टू से। क्यों क्यों फिर सही बात, देखिए पकड़े जाएंगे तो न्यूज भी बड़ा होना चाहिए ना फिर। तो फिर सही बात है कि कहाँ चला गया ये 60+20 odd के साथ, इट्स नॉट फेयर। तो TRPs बढ़ेगी, लोग गालियां देंगे, कुछ अच्छा बोलेंगे है कि नहीं, नहीं तो यही बोलेंगे उसको कोई जवान नहीं मिला। सही बात, यू नो वैसे ही होता है। पंगा लेना तो फिर अच्छे से लो, सही बात, नहीं तो मत लो। हाँ और पंजाबियों के साथ लेंगे तो बहुत बड़ा पंगा हो जाता है। सही बात है, रिस्क हमेशा लेना चाहिए। हाँ। सोशल रिस्क खास करके। अच्छा मेंढू बड़ा और मेंढू वाला। मेंढू नहीं मेंढू वाला। देखो आप पंजाबन के साथ डेट पे जाओगे तो यही सुनने को मिलेगा। ठीक अच्छा ही है ये, आप करेक्ट ही करते रहोगे मुझे। तो मेंढू वड़ा। हाँ मेंढू वड़ा या वड़ा पाव। वड़ा पाव, मेंढू वड़ा पाव। हाँ, तो क्यों मालूम, क्योंकि मेरी जन्मभूमि है कर्नाटक और मेरी कर्मभूमि है महाराष्ट्र। तो जितना प्यार मैं अपने जन्मभूमि से करता हूँ उतना ही ज़्यादा उतना ही प्यार मैं अपने कर्मभूमि से करता हूँ। तो वड़ा पाव रिप्रेजेंट्स महाराष्ट्र एंड मेदू वड़ा पाव रिप्रेजेंट्स मेदू वड़ा रिप्रेजेंट्स कर्नाटक। तो दोनों को मिलाओ तो जो बॉर्डर का इश्यू जो इनका चल रहा है ना वो भी हटा दूँ। सबको मिलके रहना चाहिए। Absolute. देश को मिलके। One India, one people. Exactly. जैसे वड़ा पाव और मेंदू वड़ा है ना हमारे भी है। आलू वड़ा पाव और वड्डा पाव। वड्डा पाव। हमारा तो बहुत ही वड्डा पाव होता है ना। सही बात है। बंगड़ा पाव गिद्दा पाव सारा कुछ तो है। तो ये नहीं, ये बात सी नहीं बनी, अपने मुंह में रख। तो थैंक यू सो मच, बहुत मजा आया आपके साथ बातें करके एंड बड़ा मजेदार शो बना आपके साथ। थैंक यू, लवली, गॉड ब्लेस, गॉड ब्लेस यू। देसी वाइब।
vibe with Shehnaz Gill. She's got the vibe.